नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा गठबंधन। अनुप्रिया पटेल वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री एवं अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की अगुवाई में रायबरेली से प्रारंभ हुई जन आशीर्वाद यात्रा सुराव पहुंची, जहां फूलपुर सांसद केशरी देवी पटेल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ पुष्प गुच्छ भेंट कर जोरदार स्वागत किया। स्वागत के दौरान अनुप्रिया पटेल नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी अपना दल जिंदाबाद जिंदाबाद अनुप्रिया के श्री देवी जिंदाबाद जिंदाबाद के गगनभेदी उद्योग उत्साह से लबरेज कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार लगाते रहे। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के लिए एक एक कार्यकर्ता जी जान से शानदार जीत के लिए संकल्पित होकर के जुटेगा, जिससे गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने आगे कहा कि सपा हाफ बसपा साफ और कांग्रेस का तो कई प्रदेशों से चला आ रहा है जीत का स्विच ऑफ। उन्होंने आगे कहा कि मोदी के सफल सारथी के तौर पर चला विजय रथ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से यह रथ अपनी तूफानी गति से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने पूर्व में हुए MLC चुनाव में महारथियों को पटखनी देने के बाद पंचायत चुनाव में अपनी पताका लहराया है और 2022 विधानसभा चुनाव में सेमीफाइनल को भारी अंतर से जीत कर विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया। उन्होंने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को गठबंधन परिवार का सदस्य बताते हुए एकजुटता से चुनाव लड़ने का आग्रह करते हुए 2017 के चुनाव में जो परिणाम मिले उससे बेहतर परिणाम का प्रयास लगातार करना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए योगी सरकार की भी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि यूपी में भी कोई भी अपराधी अपितु नेता ही क्यों न हो, अपराध करने के बाद पाताल में होगा तो उसे भी ढूंढ कर उसके लिए सजा उसे दी जाएगी। मोदी ने नए भारत निर्माण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नए उत्तर प्रदेश का भी निर्माण हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि नई कार पद्धति एवं नई कार संस्कृति ने उत्तर प्रदेश वासियों का दिल और विश्वास दोनों जीता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनहित में हुए कार्यों में शिक्षा सड़क सुरक्षा ग्रामीण विकास किसान स्वास्थ्य कल्याण बिजली आस्था एवं संस्कृति समाज कल्याण और स्वच्छता अभियान चला करके सभी 75 जनपदों को खुले में शौच मुक्त ODF घोषित करना यह एक बड़ी उपलब्धि और सराहनीय कार्य है। स्वागत के दौरान फूलपुर सांसद केशरी देवी पटेल ने अपने हृदय के उद्योग को व्यक्त करते हुए कहा कि अपा जान वाली पार्टी 2022 में डब्बा जान हो जाएगी। उन्होंने बसपा बिल्कुल समाप्त पार्टी और कांग्रेस को डूबती जहाज की संज्ञा से नवाजते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुए विकास और जनता के विश्वास से बनेगी। उन्होंने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया। जन आशीर्वाद यात्रा का सिकंदरा फूलपुर हंडिया सैदाबाद हनुमानगंज अंदावा सहसोफा फार्माउस शिवकटी में भी जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह, महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी, विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज, विधायक विक्रमाजीत मौर्य, विधायक प्रवीण पटेल, विधायक पूर्व विधायक दीपक पटेल, पूर्व विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, जिलाध्यक्ष भाजपा गणेश केसरवानी, अश्वनी दुबे, सांसद मीडिया प्रभारी पार्षद पवन श्रीवास्तव, रमेश पांडे, विपेंद्र पटेल, इंजीनियर प्रवीण पटेल, अविनाश के साथ विजय पटेल, भूपेंद्र पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के